स्वादिष्ट वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में 1 टेबलस्पून मूंग दाल डालेंगे जिसे हमने भिगो कर रख दिया था। फिर हम चावल डालेंगे जिसे भी हमने भिगो कर रख दिया था। फिर सब्जियों में हमने यहाँ लिया है कुछ कटी हुई गाजर और बीन्स, साथ ही साथ हमने लिया है एक छोटा टमाटर। मसालों में हमने लिया है देखिए हींग, हल्दी, भुना हुआ जीरा पाउडर और अजवाइन। फिर हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब हम कुकर में 4 विसल्स लेंगे, विसल्स आ चुकी हैं, गैस बंद कर देंगे, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी खिचड़ी पककर तैयार है। अब हम एक पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे चाहें तो आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी खिचड़ी अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और ये देखिए हमारी हेल्दी वेजिटेबल खिचड़ी बनकर तैयार है।